और सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम महमूद डोगर के तबादले का हुक्म मुअत्तल करते हुए उन्हें CCPO लाहौर के ओहदे पर बहाल कर दिया है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदा खसूसी ज़ुल्करनैन इकबाल से। जी ज़ुल्करनैन, अदालती कार्रवाई बारे बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने आज गुलाम महमूद डोगर का तबादले का हुक्म सस्पेंड करते हुए उनको CCPO लाहौर के ओहदे पर बहाल कर दिया है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की जानिब में इलेक्शन कमीशन की तरह से ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो मजीद रिकॉर्ड है वो पेश करने की सदा की गई, जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शेर शाहीन अदालत ने खड़ी होकर कहा कि 90 रोज में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट हुक्म जारी करे, वो इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। और अदालत का कहना था कि वो मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया जा चुका है, वो इस हवाले से मुनासिब फैसला करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि 90 रोज में इलेक्शन होने और घड़ी बहुत तेजी से चल रही है। इलेक्शन कमीशन जिसका काम है सिर्फ इंतखाबात कराना, वो इसलिए मजीद वक्त मांग रहा है। जस्टिस इजाजत हसन ने कहना था अदालत के सामने इस वक्त केस सिर्फ CCPO लाहौर की ट्रांसफर का है, इसलिए इंतखाबात के हवाले से कोई भी हुक्म जारी नहीं कर सकते। ये वो रिमार्क्स है जो आखिर में अदालत की जानिब से दिए गए। ठीक है, गुलाम महमूद डोगर CCPO लाहौर के ओहदे पर बहाल कर दिए गए। ज़ुल्करनैन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।